हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम रिव्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम एनालिसिस टुडे 21 जुलाई की फोर्थ सेट के एकदम रियल क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन पूछे गए थे स्टूडेंटों द्वारा बताए गए, तो एकदम रियल क्वेश्चन है। और बता दें फ्रेंड, जिन लोगों का आने वाले सेप्टर में एग्जाम है वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, जिससे मैं आने वाले सेप्टर में एनालिसिस कर सकूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, तो जाकर ज्वाइन करें, वहाँ से आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वहाँ से मिल जाएगी, जो पीडीएफ है उसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, नाटी लोक नृत्य किस राज्य का है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। किस राज्य का है? हिमाचल प्रदेश का। बात करते हैं फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में बढ़ते हुए आधुनिकीकरण के बावजूद अपनी समृद्ध पारंपरिक संस्कृति को कामयाब रखा है। इस क्षेत्र में पहाड़ और घाटियों यहाँ के नृत्यों के रूप में प्रतिबंधित होते हैं। नाटी नृत्य इस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से। किससे? अनुच्छेद 14 से। बात करते हैं फ्रेंड, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया कि राज्य के किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता में भारत क्षेत्रों के कानून को समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फ्रेंड अभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दशरथ युद्ध का उल्लेख किस मंडल में है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा सातवें मंडल में। कौन से मंडल में है? तो फ्रेंड ये सातवें मंडल से संबंधित है। बात करते हैं फ्रेंड, दशरथ युद्ध या दस राजाओं का युद्ध या दशानन युद्ध का एक जिसका उद्देश्य उल्लेख ऋग्वेद के सातवें मंडल में मिलता है। तो फ्रेंड ये तीन नाम से जाना जाता है, जैसे कि दशरथ, दस राग युद्ध, दस राज युद्ध, दस राजाओं का युद्ध या दशानन राजाओं का युद्ध, एक ही नाम है इसका, ऋग्वेद के सातवें मंडल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट की पिच की लंबाई 22 यार्ड यानी कि 20.12 मीटर लंबी और 10 फिट यानी कि 3 फुट 4 मीटर चौड़ी होती है। दो विकेट के बीच की दूरी आमतौर पर 22.12 मीटर होती है। तो फ्रेंड मीटर में बात करें तो फ्रेंड 20.12 मीटर हो जाएगी, 20.12 मीटर हो जाएगी। और फ्रेंड इन यार्ड की बात करें, जैसे कदम की बात करें, जैसे नापते हैं कदम, तो फ्रेंड 22 कदम हो जाएंगे, 20 मीटर में 12। और फ्रेंड इसकी लंबाई एवं चौड़ाई की बात करें तो फ्रेंड्स 10 फिट चौड़ी यानी 3.4 मीटर चौड़ी होती है। ये भी याद रखने, आने वाले चैप्टर में ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड, 10 फिट यानी कि 3.4 मीटर चौड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले फ्रेंड्स बता दें, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि वाद्य यंत्र से, ये फ्रेंड जरूर पढ़ के जाएं। कल मैंने एक यहाँ पर कम्युनिटी में एक डाल दिया था पोस्ट, जिसमें 10 क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण, किस वाद्य यंत्र एवं बाधक, वाद्य यंत्र एवं बाधक से संबंधित 10 क्वेश्चन डाल दिए थे, वो आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिए। ये हर सेप्टर में पूछा जा रहा है और ये श्रीनिवास वाला पहले भी पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड बात करते हैं, श्रीनिवास किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैंडोलिन। श्रीनिवास नाम प्रसिद्ध एक श्रीनिवास के 42 दक्षिण भारतीय कर्नाटक शैली से एक प्रसिद्ध मैंडोलिन वादक से संबंधित है। किस वादक से? तो मैंडोलिन वादक से संबंधित है। उनका लंबे वक्त का यकृत की बीमारी का इलाज चल रहा है, इसे श्रीनिवास इलेक्ट्रॉनिक मैंडोलिन बजाया करते थे। किस नाम से थे? तो मैंडोलिन दस से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले फ्रेंड बता दें, आपको किसी पीडीएफ चाहिए तो फ्रेंड टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आपको किसी पीडीएफ चाहिए तो फ्रेंड टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी में कौन सी लाइन नहीं होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कहा जाता है कि खेल को किसी भी समय 4 सीमा रेखाओं के भीतर प्रतिबंध करने की आवश्यकता है। आयताकार कोर्ट को एक माध्यम से रेखा द्वारा 2 समान समान हिस्सों में विभाजित किया गया है, जो चटाई की छोटी अंत रेखाओं को समांतर खींची गई है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, बिरजू महाराज ने 2016 में किस मूवी में काम किया था? एक फ्रेंड क्वेश्चन बना था, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बाजीराव मस्तानी में। किस में किया था? तो बाजीराव मस्तानी में किया था फ्रेंड्स। बाजीराव मस्तानी गाने मोहे रंग दो लाल की कोरियोग्राफी के लिए 2016 में फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो फ्रेंड्स फिल्म फेयर अवार्ड मिला था कोरियोग्राफी लिए 2016 में मस्तानी मूवी के लिए। और फ्रेंड बता दें, ये किससे नृत्य संबंधित थे? तो कथक नृत्य से संबंधित थे और ये लखनऊ घराने से थे। किससे? लखनऊ घराने से संबंधित थे। इनका जो अभी हाल ही में निधन हो चुका है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
2023 में मतदाता का कौन सा संस्करण हुआ था? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, इस साल की थीम वोटिंग बेमिसाल है। तो फ्रेंड सबसे पहले इसकी थीम है वोटिंग बेमिसाल। मैं अब वोटिंग देता हूँ, भारत निर्वाचन आयोग जनवरी 25 जनवरी 2023 को 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस बार कौन सा था? तो 13वां राष्ट्रीय दिवस था। कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। सबसे पहले कब मनाया गया था? 25 जनवरी 1950 को मनाया गया था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे मतदाता, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स, तो आपको बता दें प्रथम अध्यक्ष थे फ्रेंड्स सुकुमार सेन। कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। और फ्रेंड प्रथम महिला बता दें तो फ्रेंड रमा देवी हो जाएंगी। कौन थी? रमा देवी। ओके। और वर्तमान में कौन है फ्रेंड्स? वर्तमान में राजीव कुमार। वर्तमान में कौन है फ्रेंड्स? राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विजय केलकर। अध्यक्ष 13वें की वित्त आयोग के साथ एक आवासीय बैठक थी। तो कौन है? विजय केलकर है। कौन है? विजय केलकर है 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, एक क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में पूछ रहा है जनगणना से, तो चलिए बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार किसानों का अनुपात क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पिछला सर्वेक्षण 2011-12 के दौरान किया गया था। इसके अनुसार कुल कार्यबल 41.41 करोड़ अनुमानित है। इसमें 33.69 करोड़ ग्रामीण श्रमिक एवं 13.72 करोड़ शहरी श्रमिक थे। हालांकि कृषि क्षेत्र में किसानों को खेती हर मजदूरों सहित को संगलन कार्यबल की हिस्सेदारी 2001 में 58.2% थी, वो घटकर 2011 में 54.6% हो गई। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स किसानों की कितनी थी? तो 54.6% थी 2011 में। इससे पहले बात कर रहे हैं 2001 में क्या थी? तो 58.2 थी। अब इस बार घट के 54.6 हो गई थी। और फ्रेंड बता दें जनगणना से हर सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा। बात करते हैं फ्रेंड्स जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। बात करते हैं फ्रेंड्स साक्षरता में सबसे पहले पर राज्य कौन सा है? तो केरल है। और सबसे लास्ट पर कौन सा राज्य है? तो बिहार है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स वनों की वृद्धि सबसे पहले सबसे ज्यादा किस राज्य में हुई? तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है फ्रेंड्स। कहाँ पर हुई? आंध्र प्रदेश में। घनत्व की बात करें सबसे ज्यादा घनत्व किस राज्य का है? तो बिहार का है फ्रेंड्स। और केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो दिल्ली का है। सबसे ज्यादा किसका है? दिल्ली का। ये फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है ये जरूर पढ़ के जाए और बता दें आपको ये टॉपिक से फ्रेंड, जैसे कि करंट से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, हिस्ट्री से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, स्टडी जीके से 8 क्वेश्चन, पॉलिटी से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, ज्योग्राफी से 2, इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन साइंस से देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। ये रहा है और बता दें फ्रेंड जैसे कि स्टडी जीके में निरत से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड, जनगणना से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ये पढ़ के जाएँ। और फ्रेंड बता दें निरत जनगणना पॉलिटी में फ्रेंड अनुच्छेद से क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएँ, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। बता दें फ्रेंड इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो फ्रेंड टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। और फ्रेंड्स आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुँच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।